राफेल से देश की ताकत दोगुनी होगी। सिंगला अंबाला एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल का औपचारिक अनावरण करने पर ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से खुशी जाहिर की और इस कार्य को इसी सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे अंबाला व देश को गर्व महसूस होगा। एसोसिएशन के प्रधान विकास सिंगला ने बताया, अंबाला में औपचारिक अनावरण से प्रत्येक क्षण गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि राफेल से देश की ताकत दोगुनी होगी तो वहीं दुश्मन देश की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राफेल से देश की ताकत दोगुनी होगी तो वहीं दुश्मन देश की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी 1857 की क्रांति में अंबाला का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था, आज फिर अंबाला का गौरव बढ़ा है। प्रधान विकास सिंगला ने कहा कि रक्षा मंत्री व रक्षा मंत्री अंबाला पहुंचे, जिससे अंबाला का मान बढ़ा है। अंबाला की धरती पर राफेल का आना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे बड़ी उपलब्धि यह है कि अंबाला को नई पहचान मिलेगी। अंबाला में राफेल का जो है औपचारिक जो है अनावरण किया गया है और आज रक्षा मंत्री भी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सबको विदित है कि 29 जुलाई को राफेल का अंबाला के अंदर आगमन हुआ था और हमारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इसको बहुत ही खुशी के साथ गुब्बारे उड़ाकर और मिठाइयां बांटकर मनाया गया था। तो आज इसका हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इसका एक औपचारिक अनावरण किया है इसका, और इनके साथ में फ्रांस की रक्षा मंत्री श्री फ्लोरेंस परली जी भी आज यहाँ उपस्थित हैं। तो ये एक अंबाला वासियों के लिए बहुत ही एक बड़ी गर्व की बात है। तो आज मैं अंबाला वासियों की तरफ से और अपने ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक बहुत ही खुशी जाहिर करते हुए इनको बधाई का संदेश देता हूँ। चाइना की ओर से भी पहले किस भी तरह की हरकतें की जाती थी, उसके बारे क्या कहना चाहिए? चाइना कि करनी और कथनी में बहुत फर्क है और उससे हिंदुस्तान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इंडिया को LOC के प्रति बहुत ये गंभीर है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। तो अब राफेल की एक तैयारी हो चुकी है और चाइना को अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।